नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी तथा चाईबासा के सांसद ने संयुक्त रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें टाटा नगर रेल, आदित्यपुर रेल समेत दोनों जिलों के कई रेलवे योजनाएं शामिल है। इसमें मुख्य रूप से टाटा नगर स्टेशन में लिफ्ट व चलायमान सीढ़ियां तथा आदित्यपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण व कई अन्य स्टेशनों के पैदल पुल का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। दोनों जिलों के सांसद ने संयुक्त रूप से इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये योजनाएं रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि इस उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन निजी कार्यों के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से हर क्षेत्र में कार्य तेजी से हो रहा है। लगातार इन स्टेशनों में कई मांग वर्षों से लंबित थी और यात्रियों को सुविधा भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब सभी के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी स्टेशनों को हाईटेक किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। जमशेदपुर रेलवे डिवीजन, यदि आप देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले डिवीजन है। और इसके साथ ही साथ यदि यात्री सुविधाओं को आप देखेंगे तो आज कई ट्रेनें, महत्वपूर्ण ट्रेनें इस रूट में चल रही है और कई स्टेशनों पर निश्चित रूप से ट्रेन चलेगी तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी और जहाँ रुकेगी वो लोग चढ़ेंगे वहाँ भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर पिछले कई लंबे समय से जो ट्रैफिक जाम का बड़ा सिस्टम लगा रहा था, उदाहरण के तौर पर आपका जुग सुनाई है, मेरा चक्रधरपुर है, चाईबासा है, अन्य अन्य स्टेशनों पर जहाँ पर ट्रैफिक के काफी जाम का विषय नहीं होगा, लेकिन आज के दिन में हम यह कह सकते हैं कि हम दोनों की प्रयास से इस डिवीजन में खास करके चक्रधरपुर बड़ा पुराना, मैं आपको कहानी बताऊं तो ये 35 वर्ष हो गया है इसको बनने में, लेकिन हम लोग आज अगले वर्ष 2018 में इसके हम लोग ने, मैं ही इसका उद्घाटन भी किया और आज बड़ा आसानी से उसके ऊपर लोग चल करके समय सीमा के समय सीमा पर, चाहे वह हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, डेली काम काज करने के लिए लोग जाते हैं उसके लिए भी सुविधा हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी सुविधा हो, यानी सभी प्रकार के उस सड़क में आने जाने वाले आम जनों का सुविधा मिले। वामसेव की ओर से आहूत भारत बंद का असर लौह नगरी जमशेदपुर में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। शहर के सभी बाजारें खुली रही, सड़कों पर भी आवागमन सामान्य रूप से चलता रहा। हालांकि वामसेव के कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। जैसे सभी कार्यकर्ता साक्षी को चक्कर पहुंचकर साक्षी बाजार बंद करवाने निकले, पुलिस ने सभी को अपने घेरे में ले लिया। कुछ कार्यकर्ता जबरन दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किए, जबकि दुकानों में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया, मगर पुलिस की चुस्ती को देखते हुए दुकानों में तोड़फोड़ नहीं की जा सकी, जिसके बाद पुलिस और वामसेव कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई। पूरा बाजार घूमने के बाद सभी कार्यकर्ता साक्षी गोल चक्कर के पास जम गए। बाजार नहीं बंद होने की सूरत में वामसेव के नेता गुस्से में आकर मीडिया को ही अनाप शनाप बक दिया। अंत में पुलिस जबरन उन्हें गिरफ्तार कर साक्षी थाना लेकर चली गई। पत्रकार को हम लोग बाइक नहीं देंगे, ये सब बाइक वाला जो है वही नरेंद्र मोदी का चौकीदार का आदमी होगा, इसलिए किसी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर में बने सीआरपीएफ कैंप आवास का ऑनलाइन उद्घाटन बुधवार को किया। इस दौरान जमशेदपुर के सुंदर नगर स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में बने आवासों का भी ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 106 वाहिनी द्रुत कार्य बल सुंदरनगर जमशेदपुर में नव निर्मित जवान बैरक एवं पारिवारिक आवासों का डिजिटल उद्घाटन किया गया। इस दौरान 106 वाहिनी में कुल 317 आवासों का निर्माण किया गया है। वहीं ऑनलाइन उद्घाटन में पुलिस उप महानिदेशक रेंज जमशेदपुर के संदीप गोकुल,
पुलिस उप महानिरीक्षक समूह केंद्र जमशेदपुर के हरजिंदर सिंह समेत द्वितीय कमान अधिकारी 106 बटालियन द्रुत कार्य बल एवं समस्त अधिकारी और बल के कर्मी शामिल हुए। वहीं ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान सीआरपीएफ व रैफ के पदाधिकारी और जवानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे। Really, it is indeed a great day for all the forces, and we are thankful to Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh and all the Minister of State for all. They have spent their valuable time and inaugurated all the housing and administrative complexes. I am sure these complexes will add on to the proficiency as well as satisfaction of the forces personnel. And we are definitely grateful to our ministry for taking such steps for welfare of our jawans. Thank you very much. केंद्र सरकार ने एक बार फिर झारखंड को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के कांदन बेड़ा में 1321 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। वैसे ये आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन रखी। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो और ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो शामिल थे। इधर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ऐलान किया कि भुयांडी लिट्टी शॉप के सामने स्वर्ण रेखा नदी पर फोर लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने संथाली भाषा में रेलवे स्टेशन का नामांकित करने और संथाली भाषा में ही ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने और अनाउंसमेंट करने का ऐलान किया। कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक गरीब आदिवासियों को गुमराह करते आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कांदन बेड़ा चौक का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू रखने का ऐलान किया। साथ ही उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी को वोट करने की अपील की। वैसे सोनारी दो मुहानी के समीप स्वर्ण रेखा नदी पर बने नए ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुबर दास ने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उपस्थित लोगों को बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों का विकास चाहती है। ये डबल इंजन की सरकार से आज राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क और राज्य की राजमार्ग की सड़क जिस तेजी से काम कर रहे हैं वो आप सबके सामने। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे पुलवामा की 40 सैनिकों की हत्या हो, मोदी सरकार और हमारे वीर सैनिक शौर्य और वीरता के जो प्रतीक है आज पाकिस्तान के घर में घुसकर स्ट्राइक किया। तो आज हम घोषणा करते हैं विभाग की दिशा में कार्रवाई करेगी, इस चौक का नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक है। संथाल के नाम पर राजनीति खूब हुई, संथाल के नाम पर अपनी मत बेटी भरी, अपनी अर्थ बेटी भरी, लेकिन आदिवासी के जीवन में बदलाव कैसे आया, संथाल भाषा को सम्मान कैसे मिले, ये हमारा ओल्ड चिकनी को कैसे सम्मान मिले, अगर किसी सरकार ने चिंता की है तो जब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या राज्य में सरकार बनी आदिवासियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार। हमने धर्मांतर कानून बनाने का भी काम, अब कोई गरीब आदिवासी को भय लोभ लालच देकर हमारे सिद्धू कानून की संस्कृति, हमारी भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति कोई को नष्ट करने का काम करे तो उसे होटवार जेल में 4 साल सजा और 1,00,000 रुपये का कानून बनाने का काम हमारी। जमशेदपुर में महिला दिवस के उपलक्ष में कामगार महिलाओं को उनके हक और अधिकार के विषय में जागरूक करने हेतु एक सभा का आयोजन सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महिलाओं को उन्हें हक और अधिकार के विषय में जागरूक किया। इस दौरान सोनारी क्रिश्चियन मैदान से एक रैली निकाली गई जो इलाके के विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए रॉकी मैदान पहुंची, जहां ये सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान महिलाओं ने कामगार महिलाओं को हक के प्रति जागरूक किया। वक्ताओं ने इस दौरान कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी उनके हक के लिए जूझना पड़ता है, साथ ही कई कार्यस्थल पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कामगार महिलाओं को आज भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जो शोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देकर इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है।
मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये घरेलू कामगार महिलाओं का आज इन्होंने रैली निकाले हैं और रैली के माध्यम से उनके साथ जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है कामकाज के दरमियान उसको उन्होंने तख्ती के माध्यम से समाज में सामने रखे हैं, ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात जाए कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं माइंस में काम करती है जिनको लेकर के उनको सांस की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, और फिर कुछ महिलाएं जो हमारी महिला होती है प्रेगनेंसी की हालत में होती है उनको छुट्टी को लेकर के, और घर में काम करने वाली महिलाएं होती है जिनको सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता है कि हीन भावना से देखा जाता है, उनके तहत एक अच्छा कानून बने जिससे उनको आगे काम करने में मदद मिले। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश भर की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाएं एक प्रकृति है, प्रकृति है तो विकास है। जमशेदपुर शहर के लोगों को झारखंड का सबसे बड़ा पार्क का सौगात मिला है, जहां सुनारी के मरीन ड्राइव दो मुहाने नदी के पास 5,18,00,000 की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास मंत्री सरयू राय ने किया। वहीं इस दौरान जमशेदपुर एक्सप्रेस की ओर से कदमा सुनारी के लोगों को पार्क के साथ 15,00,000,000 की लागत से बनने वाले कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री सरयू राय, विशेष पदाधिकारी समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे। मंत्री सरयू राय ने कहा कि सुनारी दो मुहाने नदी के पास कई सालों से अंतरराष्ट्रीय पार्क बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार और नगम निगम की ओर से इसका उपहार शहर के लोगों को दी गई। पार्क के साथ साथ यहाँ कई सुविधाएं लोगों को मिलने जा रही है। यहाँ सौंदर्यकरण होने से यहाँ सैलानी भी आएंगे, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जुबली पार्क से भी बड़ा इस पार्क का निर्माण किया जाना है, साथ ही दो नदियों के संगम के साथ ही इस पार्क में घूमने आए सैलानी नदी में बोटिंग का आनंद भी ले पाएंगे। साथ ही साथ इस पार्क के साथ होटल समेत कई सुविधाएं यहां बनने जा रही है, जिससे शहर के लोगों के साथ सैलानी भी यहां आएंगे, जिससे शहर के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभी कोई 5.25 करोड़ का ये पार्क बना है। पहले जिस तरह का बनना था उसमें काफी परिवर्तन हो गया है। आम जनता के लिए खुला हुआ पार्क रहेगा। जो सुविधाएं हम बनाएंगे आगे जाकर, उन सुविधाओं के लिए जो भी उसका इस्तेमाल करेगा शुल्क देगा उसके लिए। कितने दिन में तैयार होगा ये? मुझे लगता है कि हम लोग बरसात के समय सितम्बर के पहले ये काम इसका पूरा हो जाएगा। अभी बनाया किया जाना क्या?